सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर शीट को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी पर्सन उसमें किसी भी तरह की टाइपिंग ना कर सके। उसके लिए सीट के ऊपर गए, राइट क्लिक, यहाँ सीट के ऊपर आते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट शीट। सीट के ऊपर राइट क्लिक करके भी किया जा सकता है, या फिर हमारे रिव्यू टैब के अंदर भी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, हम इस प्रोटेक्ट शीट में कर सकते। प्रोटेक्ट शीट, अब इसमें आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने से पहले देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है इफ लॉस एंड फॉरगेट पासवर्ड नॉट कैन नॉट बी रिकवर, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो रिकवर नहीं होगा। सो पासवर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए कि पासवर्ड क्या है। ऐसा नहीं है कि भूल गए तो रिकवर नहीं होगा, रिकवर करने वाले बहुत सारे टूल्स हैं पासवर्ड रिमूवर टाइप के, बट वो रिमूव कर देंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हुआ तो रिमूव नहीं कर पाएगा, तो रिमूव कर दे इसकी गारंटी नहीं है, तो आप उसी हिसाब से यूज कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड कन्फर्म करता हूँ। अब मैं सीट पे किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं देख पा रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, बट हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मैं अपना डेटा भी कॉपी ना कर सकूं, तो कॉपी को रोका नहीं जा सकता सर। सबसे पहले तो मैं सीट को अनप्रोटेक्ट करता हूं, ये राइट क्लिक करके सीट के नेम के ऊपर। उस प्रोटेक्शन माने कॉपी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है, सिलेक्शन की ना सर। हम डेटा सिलेक्ट ना करें तो कॉपी करने का पर्पस ही नहीं ना सर। जब आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं यहाँ प्रोटेक्ट शीट में, तो यहाँ पे आपके सामने होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल ऑफ दिस वर्कशीट टू, ये पासवर्ड के बाद पासवर्ड है, उस पासवर्ड के बाद कौन कौन से क्या क्या काम कर सकता है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट पे क्लिक करके पासवर्ड अप्लाई कर दूं तो मैं डेटा की चेंज, मैं डेटा पे किसी तरह का चेंज नहीं, बट भी अप्लाई द फॉर्मेट, मतलब कि कलर वलर जो भी है हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। चलो आवाज नहीं आ रही सर, कलर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो आवाज आ रही सर? आ रही। तो हमने क्या किया, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड डालते समय हमने फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया था यहाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक अनलॉक क्या है इसके बाद में हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले जान लीजिए कि इससे क्या है कि पासवर्ड डालने के बाद आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को अनचेक करके ओके कर दूं तो आप देख कि मैं अब कहीं पे क्लिक भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं कहीं पे क्लिक भी नहीं कर पा रहा। क्लियर सर? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसी का ऑप्शन है कि मैं चाहता हूं कि इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखूं। मैं चाहता हूं पूरे सीट पे, जो भी सीट है पूरे सीट पे मैं कहीं भी टाइप ना कर सकूं, बट जो मेरा एरिया कलर मैंने किया है या जो भी एरिया मैंने डिसाइड किया है एरिया में कर सकूं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट से निकला। फॉर्मेट सेल के यहाँ प्रोटेक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लॉक पे क्लिक, लिख रहे सर लॉक पे? हाँ जी। लॉक पे क्लिक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि पासवर्ड से ब्लॉक्ड है, मतलब कि जब इस पे पासवर्ड अप्लाई होगा तो पासवर्ड को सपोर्ट करेगा।
समझे? हमने इस लॉक को हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर क्लियर मेंशन होता है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। ओके, तो पासवर्ड हमने अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो बाकी कॉमेड सेल की प्रोटेक्शन टाइम में लॉक पे क्लिक है, इट मीन्स ये लॉक सेल है, इस पे टाइप नहीं हुआ। बट इस पे टाइप मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी फॉर्मेट सेल के लॉक लॉक वाले टाइप में जाके प्रोटेक्शन कुछ अनचेक कर दिया था, तो ये हो गया अनलॉक सेल। क्लियर है? तो आपको लॉक्ड अनलॉक पता चल गया क्या होता है आपको राव जी? हाँ। अगर मैं उसका उल्टा करना चाहूं, मैं चाहता हूं यहां पे कि मैं पूरी सीट को प्रोटेक्शन से बाहर रखूं, सिर्फ इस एरिया को प्रोटेक्ट करूं। जैसा अभी मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक्ड, हर एक सेल लॉक्ड होता है, तो हमने पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, पूरा सीट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और इसकी लॉक्ड को अनचेक कर लिया। ठीक है, अभी क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कलर एरिया पूरी सेल अनलॉक्ड है। पासवर्ड डालने पे किसी भी पासवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम पासवर्ड लगाने से पहले हम इस कलर एरिया को क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाके इस पे लॉक को वापस लगा देंगे एंड ओके। अब मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा, टैग शीट में जाके पासवर्ड कंफर्म कर दूंगा। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, बट यहां मैं ओके okay? अब इसका बेनिफिट क्या है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं तैयार करता हूं। जैसे नेम, क्वांटिटी, रोल, मार्क, यहाँ पे मार्किंग हो जाता है जी अमाउंट, जीएसटी, कमीशन एंड टोटल, डेट। यहाँ पे मेरा अमाउंट है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। जीएसटी क्या है, जीएसटी है अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 18%। कमीशन क्या है, कमीशन है जीएसटी का अमाउंट का 2%, और इसका टोटल हमने ऐड कर दिया और फिर इसको नीचे की तरफ ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, इसमें कुछ डेटा एंट्री करना होगा तो मैं डालूंगा पूजा, नेम डाल दिया और एमआरपी डाला, तो ये बाकी अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब मुझे डेट एंड टाइम की एंट्री करने के लिए चार कॉलम पे जाके फिर यहाँ से डेट और यहाँ पे टाइम एंट्री करना। ओके, अब यहीं पे ओम, अब यहाँ पे नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर डाल दिया। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके एक सोल्यूशन है, हम पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसकी लॉक को अनचेक करेंगे, और जो हमारा नाम, जो हमारा कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट से, वापस लॉक को लगा देंगे। अब मैं पासवर्ड अप्लाई करते समय एक छोटा सा ट्रिक अपनाएंगे कि हम यहाँ सिलेक्ट लॉक सेल की हटा दें, मतलब कि जो सेल लॉक्ड है उसकी सिलेक्शन को मैंने रिमूव कर दिया, वो उस सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर सर? हाँ जी। अब ओके कीजिए यहाँ पे, ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहे। अब देखिए क्या होगा, अब मैं यहाँ पे ओम लिखूंगा, नंबर डालूंगा, पार्टी डालूंगा, जैसे ही टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर डायरेक्ट एच कॉलम में चला जाएगा, डेट एंड टाइम। एंटर प्रेस करेंगे, उत्तर से मैं अब में क्या है कि इनके बीच में कहीं क्लिक ही नहीं कर सकता,
तो डेटा एंट्री कर समय इस तरह की प्रॉब्लम होगी, हाँ जो कॉलम कैलकुलेटिव है उसमें चेंज नहीं करवाना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे सीओ में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या विक्रांत जी? ठीक है सर। और राव जी समझ में आया आपको? हेलो सर। तो सीट किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दूसरा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सीट कोई डिलीट भी ना कर सके, क्योंकि अभी तो सीट कोई भी डिलीट कर सकता है ना, तो आप यहाँ रिव्यू में ही आपके सामने यह होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, अब आपका सीट कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, ना आप नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ना किसी सीट के कोई किसी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं, सीट आपका प्रोटेक्ट, सीट का स्ट्रक्चर आपका प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन फाइल अभी भी ओपन की जा सकती है। आप चाहते हैं कि मेरी फाइल भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ओपन ना कर सके, तो फाइल अगर नया है तो सेव एज करते समय यहां टूल्स होता है। अब टूल्स कहीं कहीं पे नीचे होगा या फिर ऊपर में होगा, वो अलग अलग विंडो के हिसाब से अपना जगह चेंज करता है। उस पे जाएंगे टूल्स के ऊपर, जनरल ऑप्शन आप दिखेगा, जनरल ऑप्शन में आप यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बिना पासवर्ड के आपकी फाइल न ओपन होगी न मॉडिफाई होगी, लेकिन इसके लिए आपको फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। बट अगर कोई पुरानी फाइल है उसको सेव एज करोगे तो उसकी लिंक बहुत सारी चीजें रिमूव हो सकती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम यहाँ इन्फो के अंदर, हमारा इन्फो टैब है, तो इन्फो टैब के अंदर यहाँ इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड इसमें हम ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शंस की मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अगली क्लास में हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे।